तुम स्पोर्ट बाइक खरीद कर इंप्रेस करने की कोशिश करोगे और वो किसी के से साथ ऑटो में चली जाएगी। वाह। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है लोकेश और किस टाइप के वीडियोस मैं बनाता हूँ, लाइक ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाता हूँ, रिव्यू व्लॉग्स बनाता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे मेरे वीडियोस तो सब्सक्राइब करके जाना, ये वीडियो भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना और लास्ट तक देखना। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं आज दूदू तक, मतलब कि 50-60 किलोमीटर्स अराउंड की राइड होगी। आरएसबी के साथ हूँ मैं अभी, तो फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा, यू टर्न लेके मोटो दंगल जाऊँगा। मोटो दंगल का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाऊँगा। ये हमारे भरत भाई, भाई हेलमेट कौन सा ले लिया, मस्त लग रहा है एंटी का। तो ये है भरत भाई की CBR 1000 फायर ब्लेड, मतलब की क्या भागती है ना भाई। तुम देखो आई कार्ड आ रहा होगा यहाँ पे जाके, और अभी इंटर खड़ी है वहाँ पे। तो अभी चलते हैं अपन आगे और फिर मिलते हैं आपको हाईवे पे। तो अभी करते हैं अपन शुरुआत, थोड़ा सा बस। तो ये है निंजा 650, निखिल भाटिया, प्रशांत शर्मा G900, और वो JSB वाले भैया हैं, S1000RR डुकाटी पानीगिल, वो लोग कहीं और जा रहे हैं। यहीं पे मिले थे हम लोगों को मीटिंग पॉइंट पे। अच्छा चलो, मतलब देखो यार कितनी ह्यूज लग रही है बाइक हर्षद भैया, खतरनाक ही लग रहे हो आप आज इस पे। CC है इंट्रूडर बाय द वे। वाला है कहाँ जा रहा है, रेस में ही मोटो दंग। आज संडे भी है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सब लोग ना ऑलमोस्ट राइड पे निकले हुए हैं आज, बिकॉज इसके बाद पता नहीं गर्मी आएगी या क्या होगा, बिकॉज कल तो बारिश हो रही थी जयपुर के अंदर और मेरे को लग रहा था कि आज सुबह बारिश होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे जा रहा है एक हार्ले वाला ग्रुप, ये भी शायद पुष्कर वगैरह जा रहे होंगे। पुष्कर इज 150 किलोमीटर समथिंग फ्रॉम जयपुर, तो लोग वहाँ सुबह निकलते हैं और रात तक वापस आ जाते हैं। जब भी सुपर बाइक वालों के साथ राइड होती है ना, अपनी बाइक तो फुल पावर दे देती है। भैया ग्रीन सिग्नल हो रहा है यार, क्या हो गया लोगों को, जयपुर वालों को यार। जयपुर में ट्रैफिक पहले से ना इतना बढ़ गया है ना, मतलब कि जयपुर में ट्रैफिक इतना नहीं है लेकिन लोगों का सेंस बहुत ख़राब है ट्रैफिक के मामले में, कोई कभी भी आ जाता है। वाह, रोहित भैया भी आ गए क्या, देख रहे हो हाईवे पे भी ट्रैफिक। मतलब जब सुपर बाइक्स वालों के साथ मैं राइड पे होता हूँ ना, मुझे म्यूज़िक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज कई लोगों के मेरे पास फीडबैक आए कि अपन सुपर बाइक जब राइड पे जाते हैं तो म्यूज़िक थोड़ा मत ही डालो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा क्रेज़ एक सुपर बाइक की साउंड सुनने में होता है ज़्यादा देन म्यूज़िक, तो इसलिए मैं म्यूज़िक कम ही ऐड करता हूँ। क्या हाल है, म्यूजिक वाला चश्मा, म्यूजिक वाला चश्मा। बताऊंगा ये म्यूजिक वाला चश्मा। तो चलो आगे चलते हैं, अपन भी भगा देते हैं थोड़ी बाइक।
तो एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको मेरे साथ जो कल हुआ। कि ये आपको हैंड माउंट दिख रहा है, ये मैंने पूरा डाउन क्यों कर रखा है आगे, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है मैं ये बताता हूँ आपको। ये एक्चुअली जो इसकी जो बोल्ट्स होते हैं वो हो गए लूज़। होने के बाद ये महाशय आ गए यहाँ पे। तो मैं ले रहा था राइट साइड में टर्न, तो राइट साइड में जैसे ही टर्न लिया ये यहाँ पे स्टक हो गया और मेरे को पूरे क्रैश होने के चांसेस थे, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। तो ये एक लोगों सजेशन है, जब भी आप ऐसे माउंट लगाओ तो ध्यान से रखना, लूज नहीं रखना उनको, सो दैट क्रैश ना हो आपकी बाइक। आज अपन इनको फ्लाई बाय देते हैं। ये दे दिया अपन ने फ्लाई बाय। मतलब ठंड के अंदर राइड करने में इतना मज़ा आता ना। तो अपने को लेना है यहाँ से कतई राइट, मतलब कतई एकदम जहर वाला राइट लेना है, एकदम पूरा यू टर्न ले लेना है। बाबा देखो आप, अरे अंकल हट जाओ आप, बहुत भयंकर स्पीड में आ रहा हूँ मैं। हायाबुसा आ रही है देखो आप, KTM की हायाबुसा आई है ना नई मार्केट में, ये देखो आप पावर देखना बाबा आप, ये देखो देखो बाबा। इतनी भारी बाइक लेने के बाद आपको एक तो आपके हाथों पे कंट्रोल चाहिए, फिर आपकी जेब चाहिए और आपको टाइम चाहिए। उसके लिए अपने को टाइम लगेगा। ये खड़ी है तौकीर भैया और नहीं सॉरी अंकित भैया और लक्ष्मण भैया की बाइक। अभी जस्ट पहुंचे तो अभिषेक भी आ गए आज ऑरेंज वाली पुसा पे, ब्लैक वाली आप लोगों ने देखी होगी। क्या आनंद लिए जा रहे हैं? कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, बाहर धूप के आनंद लिए जा रहे हैं, ट्रैम्प की जैकेट पहनी जा रही है, मेरा कैमरा तोड़ा जा रहा है ट्रैम्प। आज का वेदर काफ़ी अच्छा है भैया, मज़ा आ गया राइड करने में। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं यहीं पे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या खाते हैं आप। भैया लोग ना कानों से गाने सुनते हैं, हम आँखों से सुनते हैं भैया, देख लो आप आवाज़ आ रही है क्या? लग अच्छा रहा है बस, कैसे लग रहा है? बात भी हो जाती है इससे। अबे तो ये कंपनी देख लो कौन सी है, 9000 रुपये का है चार्ज यहाँ पे होता है, बात भी हो जाती है इससे, बात भी हो जाती है ना इससे। कितनी देर में चार्ज हो जाता है ये? होता 20 मिनट। वाह यार, न पहली बार देखा यार आंखों से सुनने वाला चश्मा, गाना पड़ेगा। वाह भाई गजब, इसको सुनना इस गाने को आप, तो आएगा मजा। सुनने दो अपने आलू पूड़ी। तो कान्हा रेस्टोरेंट पे आ सकते हो आप, और पूड़ी और सब्जी खाना, आलू की बढ़िया लगती है, 50-60 रुपये का होता है शायद। फिर वापस राइट पे निकलते हैं, जयपुर की साइड पे मिलते हैं बाइक पे। कौन आ रहा है? अरे आए हैं। सब रॉकेट होते हुए जाएंगे देखो। क्या वेदर हुआ आज, मतलब कि पहली बार मुझे राइड करने में मजा आया सुबह पहले, इतने अच्छे मौसम में, ना धूप ना ठंड और हल्की हल्की हवा, क्या बात है, अलग ही मजा था।
पता लग सुन में है कि बाइक देख के काफ़ी अच्छा इवेंट होता है मोटो दंगल। अगर नहीं देखा आपने तो पहले वाले वीडियोस देखना, लिंक होगा उन वीडियोस पर डिस्क्रिप्शन में, वरना आई कार्ड आ रहा होगा ऊपर यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा होगा। फोर्थ आई गेस, हाँ फोर्थ सीजन होगा मोटो दंगल का। चलो भूसा की ऑफ रोडिंग हो रही है आज। हाँ तो है भूसा से ऑफ रोड कर लिया आप। तो यहाँ पे तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, बाइक्स देखी होंगी आप लोगों ने, तो अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना। तो हो गया भाई का क्रैश। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने टाइम बाय, राइट सेफ।